नाम है राजेश प्रभाकर मंडलोई और राजस्थानी जनता ने बड़े प्यार से राजस्थानी नट सम्राट का नाम दिया है। चूंकि मैं रंगमंच से बिलोंग करता हूं, मैंने राजस्थानी भाषा के ही नाटक किए हैं ज़्यादातर, और मेरा एक नाटक है सासू आछो जायो ये, जिसने पूरे वर्ल्ड में इकलौता ये नाटक है जिसने सिल्वर जुबली क्रॉस की है प्योर राजस्थानी भाषा का। और इस नाटक में मेरे साथ हैं अपने राजस्थानी फिल्मों के इकलौते हीरोइन नीलू जी, आजकल दिया बाती में भी आ रही हैं भावो। तो बस मेरा छोटा सा केवल यही एक परिचय है कि राजस्थानी रंगमंच पे मैं जिंदा हूँ, आज जो कुछ भी हूँ राजस्थानी रंगमंच की देन है, और तहे दिल से उस रंगमंच का मैं शुक्रिया तो नहीं बोल सकता क्योंकि वो जीवन है, बस इतना ही बोलूँगा मैं। कॉन्सेप्ट तो ये है कि आज चारों ओर केवल सास बहू परिवार झगड़ा, ये हर चीज़ आपको देखने मिल रही है, लेकिन खेतेश्वर जी की एक जो जीवन चरित्र, खेतेश्वर जी का जो जीवन चरित्र है उसको बहुत कम लोगों को उनके बारे में विस्तृत जानकारी है। तो सनी मंडावरा जी ने बहुत ही सुंदर प्रयास किया कि खेतेश्वर महिमा का ये जो सीरियल आ रहा है डीडी राजस्थान पर, उससे लोगों में खेतेश्वर जी के बारे में, उनकी महत्ता के बारे में लोगों तक पहुंचे, और लोग उनके जो सार्थक प्रयास थे जो समाज को इकट्ठा करने में, जो आज हमारे समाज में बस यही एक कमी है कि हम एकत्रित नहीं हैं, तो खेताराम जी महाराज के सीरियल के एक उद्देश्य ये है कि एक समाज एकत्रित हो, और हमारे देश में एक से बढ़कर एक संत महात्मा और सिद्ध पुरुषों ने अवतार लिया, उनके बारे में विस्तृत रूप से वे जाने, और समाज में एक मैसेज भी जाता है, काफ़ी मतलब सामाजिक मैसेज भी है इस सीरियल में। आगे चलकर आप सबको बड़ा आनंद आएगा इस सीरियल का, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ सनी मंडावरा जी को, जिन्होंने डीडी राजस्थान पर एक राजस्थानी भाषा का एक सीरियल बनाने का जो संकल्प लिया है। खैर, जो रूप में मैं बैठा हूँ, मैं उन्हीं से प्रार्थना करता हूँ, ब्रह्मा जी से, कि उन्होंने जो सृष्टि की रचना की उसी तरह सनी भाई भी सीरियल के जरिए और भी कई सीरियलों का निर्माण करें जो धार्मिक हो, जो हमारे समाज को जोड़े। मेरा नाम नेहा तिवारी है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। ये जो सीरियल है खेताराम जी के ऊपर है, खेतेश्वर महिमा, तो इसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो श्रृंगारी देवी का है, मतलब खेताराम की माँ का, तो ये उसी के ऊपर ही है। आप मारवाड़ी लैंग्वेज है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन कोई नहीं, हो जाता है सेट पे। मैं मेहनत कर रही हूँ उसके लिए, मैं अच्छे से अच्छी मारवाड़ी बोलूँ। एक्चुअली ये खेताराम जी के ऊपर शो है, जिनकी मतलब मारवाड़ी में अच्छी वो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। तो सर ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और बताया कि ये जो है खेताराम जी के बारे में, उनकी जीवनी पूरी मैंने देखी, तो मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगा कि अच्छा है कि मुझे कैरेक्टर करना चाहिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो इसमें जो ये श्रृंगारी देवी का कैरेक्टर है, इनको मतलब एक बार ऐसा होता है कि सूखा पड़ जाता है और घर में खाने तक को कुछ नहीं रहता है, फिर शेर सिंह जी और श्रृंगारी देवी कैसे दूसरे गांव को जाके कैसे मतलब अपनी परिस्थिति को अच्छा डेवलप करते हैं, और फिर इनके एक बच्चा होता है खेताराम, तो उसके पैदा होने से वो सब चीज़ें वापस आ जाती हैं, खेत में अनाज होना, गांव में खुशहाली आना, तो इसलिए उनको भगवान का अवतार माना जाता है, तो उनका नाम रखा गया खेतेश्वर। मेरा नाम है शाहजी चौधरी, बेसिकली आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान से हूँ मैं, जयपुर से, और हिंदी सिनेमा में मैंने कुछ फिल्में की, लाइक जोधा अकबर, सिंह साहब द ग्रेट, शूट आउट एट वडाला, एक्शन जैक्शन, पी के, तेवर, मोहन जोदाड़ो, काबिल वॉज माई लास्ट रिलीज मूवी। उसके दौरान मैं बीच में सनी जी से मिला, तो इन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से खेताराम जी पे हम एक सीरियल बना रहे हैं जो राजस्थानी चैनल के लिए, DD1 के लिए, DD राजस्थान के लिए। तो फर्स्ट तो मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान से जुड़ा कोई भी प्रोग्राम अगर मेरे पास आता है तो मैं बड़ी खुशी उसको एक्सेप्ट करता हूँ, और इसीलिए मैंने सबसे पहले बिना स्टोरी और बिना कैरेक्टर के बारे में सुने मैंने हाँ किया कि मैं डेफिनेटली करूँगा, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान की पब्लिक अगर मुझे देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है,
क्योंकि जो बॉलीवुड में मैं हिंदी सिनेमा में कर रहा हूँ वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन राजस्थानी सिनेमा को क्योंकि मैं वहाँ से हूँ तो उस सिनेमा को थोड़ा सा प्रोत्साहन देने की वजह से मैं सबसे पहले उस प्रोजेक्ट से जुड़ता हूँ। और इस सीरियल में मैं खेताराम जी के अंकल का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, खेताराम जी के फादर होते हैं शेर सिंह जी, उनका छोटा भाई मैं प्ले कर रहा हूँ। सनी मंडावरा है, मैं बेसिकली इस शो को मैंने लिखा है और डायरेक्ट भी मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली ये इसको आप कम्प्लीटली मैथो नहीं कह सकते, ये एक पीरियड ड्रामा है, 1906-1907 से हम लोगों ने शुरू किया और 1985 तक की कहानी है। 1985 में खेताराम जी महाराज ने आसोत्रा में ब्रह्मा मंदिर जो है उसकी स्थापना की थी, उसके बाद में वो ब्रह्मलोक हो गए थे। तो ये उनके जन्म से लेकर उनके, ये तो देखा जाए तो हम लोग पीरियड भी नहीं है बहुत ज़्यादा, एक बायोग्राफी है खेताराम जी के ऊपर, पर क्योंकि वो संत थे इसलिए थोड़ा सा माइथो टच है ये और आस्था की कहानी है। करीब हमारा शो राजस्थानी भाषा में है तो कलाकारों की बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़ी विडम्बना थी मेरे साथ में कि राजस्थान में है तो कुछ एक्टर है जो बहुत बड़े, जैसे इरफान खान वगैरह बहुत बड़े बड़े एक्टर है, जो कि सीरियल एक छोटा फॉर्मेट होता वो राजस्थानी फिल्में भी नहीं करना चाहते। तो ऐसे समय में मेरे साथ में बहुत बड़ी ये विडम्बना थी कि हम लोग एक्टर कहाँ से, ये थैंक गॉड कि हमें दो तीन बहुत अच्छे अच्छे एक्टर मिले, जैसे साजी चौधरी हैं, अशोक भाटिया जी हैं, राजेश प्रभाकर मंडलोई हैं, तो ये अच्छे अच्छे एक्टर मिल गए। फिर एक्ट्रेस के नाम पे भी हम लोग उधार लेके आए हम यूपी से नेहा तिवारी को, और थी एक चैलेंज था कि जिनको राजस्थानी भाषा प्रॉपर बोलना आता ही नहीं है, और राजस्थान में भाषा की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हर 15-20 किलोमीटर के बाद में टोन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास में एक मारवाड़ी टोन के एक्टर चाहिए थे, पर थैंक गॉड सब ने बहुत अच्छी मेहनत की और सब ने भाषा के ऊपर काफ़ी वर्क किया, तो अब एक फ्लुएंट में सब लोग बोल रहे हैं और सब लोग कर रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है। अभी इस हफ्ते 5वां एपिसोड टेलीकास्ट जा रहा है और 108 एपिसोड हम लोग टोटल इसको टेलीकास्ट करेंगे, 108 एपिसोड हम लोग बना रहे हैं इसके। एक्चुअली क्योंकि खेताराम जी महाराज ब्रह्मा जी के भक्त थे और उन्होंने ही एक संकल्प लिया था कि सावित्री देवी का एक श्राप था ब्रह्मा जी को कि धरती के ऊपर उनका कोई मंदिर नहीं बनाएगा और उनकी कोई पूजा नहीं करेगा। तो ब्रह्मा मंदिर और ब्रह्मा पूजा के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। सिर्फ एक पारंपरिक मंदिर है पुष्कर जी में जो कि ब्रह्मा जी के मंदिर के नाम पे वहीं पे पूजा जाता है। तो खेताराम जी महाराज का अपना एक संकल्प था कि मुझे ब्रह्मा मंदिर बनाना है ब्रह्मा जी की पूजा के लिए। उनकी अपनी एक कार्यकाल में, उनकी अपनी जिंदगी में एक ऐसा प्रसंग आया कि जिसमें उन्होंने सावित्री देवी की तपस्या की, सावित्री देवी को मनाया और उसके बाद में उन्होंने ब्रह्मा जी का मंदिर बना के उसकी स्थापना करके उनकी प्रतिष्ठा की थी। तो ब्रह्मा जी का एक सीधे कनेक्शन है खेताराम जी महाराज के साथ में। तो हम लोग ब्रह्मा जी का ये कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं अभी, कि ब्रह्मा जी सूत्रधार बनकर खेताराम जी की महाराज की कथा जो जनता को बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं।